मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। कल हमने चैप्टर क्लास सेवन का चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस किए थे। आशा करता हूँ आप सबको सारे समझ आए होंगे, और आपके अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट्स में डालिए। मैंने कमेंट को रीड किया था, उसमें अब तक ऐसा कुछ डाउट मुझे लगा नहीं कि आप लोगों को आया होगा। आगे हम करते हैं इसके नेक्स्ट सम्स को, ठीक है? तो देखिए बोर्ड पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे सेवन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है बेटा, साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, ठीक है? साहिल क्या चाहता है, एक पिक्चर को फ्रेम में डालना चाहता है। क्या करना चाहता है, पिक्चर को फ्रेम में। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर, द विड्थ ऑफ पिक्चर, जो पिक्चर की विड्थ है वो कितनी है आपके पास, वो है 7 3/5 सेंटीमीटर, ये विड्थ ऑफ पिक्चर है, क्लियर? टू फिट द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड, टू फिट द फ्रेम। अब देखिए विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम की जो विड्थ है बेटा, जो फ्रेम है हमारे पास उसकी विड्थ है 7 3/10 सेंटीमीटर, 7 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है? हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, कहता है पिक्चर को कितना ट्रिम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, ट्रिम करने के लिए सिंपल सी बात समझिएगा मेरी, ये आपका फ्रेम है, लेट कर लीजिए फ्रेम आपका, और पिक्चर आपकी उससे बड़ी आ रही है, पिक्चर उससे बड़ी आ रही है आपकी, ठीक है? तो तभी तो ट्रिम करोगे आप लोग, जब फ्रेम से बड़ी, ये आपका फ्रेम है, ये पिक्चर है, फ्रेम से बड़ी पिक्चर होगी तभी ट्रिम करोगे, ठीक है? अगर लेट कर लेते फ्रेम आपका ये है और पिक्चर आपकी इसके अंदर आ रही है, मतलब इससे छोटी है, तो आप ट्रिम करोगे इसमें, नहीं करोगे। ट्रिम का मतलब होता है कट करना। तो फर्स्टली हमें चेक करेंगे कि भाई दोनों में से बड़ा है कौन सा, ठीक है? वैसे तो हमें दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे मैथमेटिकली कि कौन सा इसमें बड़ा है, ठीक है? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 5 35 3 38 38/5 आ गया आपका, और 10 7 73 73/10 आ गया। अब देखिए अभी भी हमें इसमें पता नहीं चल रहा हमारा कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 10 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे। लिसन केयरफुली, आपके पास एक नंबर 1/2 लिखा, एक नंबर 1/3, आपसे पूछा गया विच इज वन इज ग्रेटर, और आपको कुछ नहीं करना, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस वाले पार्ट में इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इस वाले पार्ट में कर दोगे, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ दोनों के बेस को सेम बनाना होता है। क्या करना होता है, बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस अगर हमारे पास सेम है तो हम पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। आप देखिए 3 है, ये 2 है, तो दिस इज ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर है, 1/2 हमेशा बड़ा होगा 1/3 से, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पे पता लगाएं कौन सा, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना बेटा, 76/10 आपका 10 आ गया सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग समझते होंगे, आप देखिए आपका विड्थ ऑफ पिक्चर, देखिए आपके पास विड्थ ऑफ पिक्चर इज ग्रेटर, देखिए विड्थ ऑफ पिक्चर कितने, 76/10 इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फ्रेम, समझा ये बात बेटे, पिक्चर की जो विड्थ है फ्रेम की विड्थ से ज्यादा है, ठीक है? तो पिक्चर की विड्थ फ्रेम की विड्थ से ज्यादा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये हमारा फ्रेम है और ये पिक्चर है, पिक्चर अगर उससे बड़ी है तो पिक्चर को काटना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब हमने देखा यहाँ पे भाई एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, तो पिक्चर विड्थ ऑफ पिक्चर क्या है, यस विड्थ ऑफ पिक्चर इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फ्रेम, तो हमें यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, जितना पार्ट उसका ट्रिम होना है, तो हम क्या करेंगे, जितना पिक्चर का पार्ट को ट्रिम करना, हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेटर होगा विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम। तो देखिए जो पिक्चर की विड्थ है वो कितनी आपकी, 76/10 है, और जो फ्रेम की विड्थ है वो कितनी आपकी, 73/10 है। देखिए आपने ऊपर इतना काम कर लिया, आपको नीचे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ी, आपका इतना इजी हो गया, आपके 76 - 73 = 3/10 सेंटीमीटर आपको ट्रिम करना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर आपकी इतनी ट्रिम होनी चाहिए पिक्चर, ठीक है? पिक्चर कितने ट्रिम होनी चाहिए, 3/10 सेंटीमीटर, हम पिक्चर को ट्रिम करेंगे तो हमारे फ्रेम में सेट हो जाएगी। अब देखिए बेटा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये दे देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बाय चांस मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन में क्या करते हैं, पिक्चर की विड्थ हमेशा कम होती है, ठीक है? ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये आपका फ्रेम है, ये आपका फ्रेम है और ये पिक्चर है, कभी कभी पिक्चर की जो विड्थ होती है कम होती है, फ्रेम की विड्थ ज्यादा होती है, और आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कितने पिक्चर ट्रिम करेंगे,
भाई बात बताओ, जब ऑलरेडी वो हमारी छोटी है तो उसको ट्रिम करने की जरूरत ही क्या है, उसको ट्रिम क्यों करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज का हमें ध्यान रखना है कि पहले चेक करना है स्टार्टिंग में कौन सा बड़ा है। अगर पिक्चर बड़ी है तो ही ट्रिम होगी, पिक्चर बड़ी है तो ही ट्रिम होगी, अगर पिक्चर छोटी है तो वो ट्रिम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर हमारी बड़ी थी तो 76:10 और यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्रेम छोटी थी तो हमें उसके अंदर उसे एडजस्ट करने के लिए उसे ट्रिम करना पड़ा। कितना ट्रिम करना पड़ा? 3/10 सेंटीमीटर उसको हमें ट्रिम करना पड़ा। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऋतु 8 3/पार्ट ऑफ एन एप्पल, रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट, हु हैड लार्जर शेयर बाय हाउ मच। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु। ठीक है, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु। ऋतु ने कितना पार्ट एप्पल का ईट किया, वो कितना हमारे पास 3/5 पार्ट। ठीक है, ना पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और उसके भाई सोमू ने कितना खाया। देखिए जब भी कोई चीज होती है हमारे पास टोटल वन होती है, हमेशा टोटल क्या होती है, 1 माइनस पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु। अब देखिए सिंपल ध्यान से समझना, अगर मेरा एप्पल है, ठीक है, एप्पल पूरा है तो जो भी चीज हमारी कंप्लीट होती है उसको हम वन मानते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इतना 3/5 में ऋतु खा गई हमारे पास तो सोमू को कितना मिला, सोमू को इतना मिलना है, तो हम क्या करेंगे, वन में से जितना ऋतु ने खाया उसको माइनस करेंगे, वन में से जितना ऋतु ने ईट किया है उसको माइनस करेंगे। तो वन में से ऋतु ने कितना ईट किया है बेटा, 3/5 ईट किया है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया आपके पास, और 5 - 3 एलसीएम 1 से डिवाइड करा, आपको बता रखा है पीछे, तो 2/5। अगर आपको समझ नहीं आता पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम किस तरह लेना है। तो देखिए पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितना पार्ट खाया, 2/5, और पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु, ऋतु ने कितना खाया, 3/5 खाया। अब देखिए अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल, कौन से दोनों में से ज्यादा किसने खाया। अब देखिए दोनों का बेस कैसा है, सेम है, बेस कैसा है दोनों का, सेम है। जब बेस दोनों का सेम है तो हम उसके कंपेरिजन कर सकते हैं। नाउ ऋतु पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ ऋतु इज ग्रेटर पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ सोमू। मतलब कि जो ऋतु के एप्पल का पार्ट है वो आपका 3/5 वो ग्रेटर है सोमू से। ठीक है, अब कितना ग्रेटर है, ठीक है, तो नाउ मोर पार्ट आपके पास आ जाएगा इसमें, आपका 3/5 आ गया, नहीं आपका 2/5 आ गया। अब हमें ये बताना है कि उसने कितना मच कितना एक्स्ट्रा खाया, तूने कितना एक्स्ट्रा खाया। नाउ एक्स्ट्रा पार्ट ईटन बाय ऋतु, ऋतु ने कितना खाया, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट ईटन बाय ऋतु, ऋतु ने कितना खाया, ऋतु पार्ट, ऋतु का जितना पार्ट था माइनस सोमू पार्ट। देखिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख, ऋतु पार्ट दैट मीन पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ ऋतु। ठीक है, अब पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ सोमू लिख देता हूं, पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ ऋतु माइनस पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ सोमू। ठीक है, तो देखिए आपके ऋतु का जो पार्ट था 3/5 था, सोमू का पार्ट 2/5 था, तो देखिए यहाँ पे 5 लेंगे एलसीएम आएगा तो 1/5। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट ईटन बाय ऋतु, कितना पार्ट उसने एक्स्ट्रा ईट किया, 1/5 पार्ट उसने एक्स्ट्रा ईट किया। तो दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ऋतु ने जितना पार्ट खाया, फिर हमें सोमू का निकाला, तो बेटा ध्यान रखना जब भी हमें कुछ इस तरह का पार्ट निकालना होता है ऑलवेज टोटल 1 होता है, 1 में से जितना दूसरे ने खा लिया तो बचा हुआ वो खाएगा, तो इसमें बचा हुआ पार्ट 2/5 है। अब देखिए हम चेक करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें चेक करना है किसने ज्यादा खाया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में किसने ज्यादा खाया, भाई आपके ऋतु ने ज्यादा खाया, तो पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ ऋतु ग्रेटर देन पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ सोमू, 3/5 ग्रेटर देन 2/5। नाउ एक्स्ट्रा पार्ट ईटन बाय ऋतु, ऋतु ने जितना एक्स्ट्रा पार्ट ईट किया
पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ ऋतु माइनस पार्ट ऑफ एप्पल ऑफ सोम। तो ऋतु देखिए जो चीज बड़ी होती है उसमें छोटा माइनस होता है, ठीक है। तो ऋतु का पार्ट बड़ा था, ऋतु के पार्ट के में से सोम का पार्ट माइनस हो गया है। 3/5 माइनस 2/5 हमारा 1/5। तो 1/5 पार्ट मोर इटन बाय 1/5 पार्ट मोर इटन बाय ऋतु, ठीक है। 1/5 पार्ट मोर इटन बाय ऋतु देन सोम, सोम से उसने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा खाया, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे है माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12, ठीक है। माइकल या टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर अ पिक्चर, टू कलर अ पिक्चर। भाई माइकल कितना टाइम ले रहा है पिक्चर कलर करने में, 7/12 आवर। कितना टाइम ले रहा है, 7/12 आवर ले रहा है टाइम, ठीक है। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर अ पिक्चर। तो कितना ले रहा है बेटा वो, ये ले रहा है 3/4 आवर। कितना ले रहा है, 3/4 आवर। अब कह रहा है हु वर्क लॉन्गर, कहते किसने ज्यादा देर तक काम किया, पहली बात। बाय हाउ By what fraction was it longer? कहता है अब किसने ज्यादा देर तक काम किया और कितना ज्यादा काम किया, किसने ज्यादा देर तक काम किया और किसने कितना ज्यादा काम किया। तो सबसे पहले देखिए सेम वही चीज, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो ग्रेटर पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 लाना पड़ेगा। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो आपका तो 7/12 ही है, 7/12 है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 4 × 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 9/12 आवर, 9/12 आवर। अब बताइए किसने ज्यादा काम किया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर देन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन मेजर बाय देयर न्यूमरेटर्स, ठीक है। अगर जो भी हमारे फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर का सेम होते हैं तो हम उनके न्यूमरेटर से उसे मेजर करते हैं। नाउ टाइम टेकन बाय वैभव इज ग्रेटर, टाइम टेकन बाय माइकल, ठीक है। जो कह रहा है वैभव ने जो टाइम लिया, वैभव ने कलर पिक्चर को कलर करने में ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। कितना टाइम लिया, इसने ज्यादा टाइम लिया। अब देखिए टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव मोर टाइम ले रहा, ग्रेटर आगे टाइम टेकन बाय माइकल। वैभव का टाइम कितना था, 9/12, और उसका टाइम कितना था, 7/12। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव ने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, ठीक है। तो वैभव टाइम माइनस माइकल टाइम, वैभव का टाइम कितना बेटा, 9/12। पर आपको पता होना चाहिए हमेशा बड़े में से छोटा माइनस, दैट मीन जो लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आपका 7/12। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेम ही है, 9 - 7, तो आपका क्या आ जाएगा, 2/12, आपका 1/6, ठीक है। तो आप देखिए एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय वैभव, तो वैभव टेक 1/6 आर मोर देन माइकल, ठीक है। वैभव क्या कर रहा है, वैभव 1/6 आर मोर देन माइकल, वैभव क्या कर रहा है, 1/6 घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है माइकल से। दोबारा समझिए इसमें क्या करा कि भाई माइकल किसी पिक्चर को कलर कर रहा है, वैभव भी किसी पिक्चर को कलर कर रहा है। तो वैभव जब किसी पिक्चर को कलर कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 7/12 आवर ले रहा है,
और वैभव आपका आपके पास माइकल किसी पिक्चर को कलर कर रहा है तो 7/12 ले रहा है, वैभव किसी पिक्चर को कलर कर रहा है तो 3/4 टाइम ले रहा है, 3/4 को हमें सेम करने के लिए क्या करा 9/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो नाउ वी कैन चेक बाय देयर न्यूमरेटर्स, नाउ टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव का जो टाइम है वो ग्रेटर है टाइम टेकन बाय माइकल, माइकल के टाइम से ज्यादा है। तो आपके पास कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा हमें पता करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का सबसे बेस्ट रूल है। तो एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय वैभव इक्वल टू वैभव टाइम माइनस माइकल टाइम, वैभव टाइम माइनस माइकल टाइम, वैभव का टाइम 9/12 हो गया, माइकल का टाइम 7/12 हो गया, तो 9 - 7/12 तो 2/12 आ गया आपके पास 1/6। नाउ वैभव टेक 1/6 आर मोर देन माइकल, वैभव कितना टाइम ज्यादा ले रहा है 1/6 टाइम ज्यादा ले रहा है किससे माइकल से, ठीक है इसे नोट करिए। बेटा देखिए आपका आप लोगों को होमवर्क में इसके एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्पल्स रिवाइज करने, ठीक है। और आप लोग अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा, और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक है आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने आपको कहा है कि मैथ्स विद राहुल नेगी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने क्लास के लिस्ट को देखिए और वहां से अपना सारा रीड करिए कंटेंट को जो आपको बताया गया है। बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में, बहुत मेहनत से करा गया है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप लोग उतनी मेहनत से इसे पढ़ते नहीं है। पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, समझिए, जहां पे डाउट लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में डाल के बताइए कि सर हमें इस जगह प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे जो नई वीडियो बनेगी उसमें सबसे पहले आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, देन नेक्स्ट नई वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और आप अगर आपको लगता है कि जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचा तो वहां तक इसे शेयर करिए, शेयर करने के बाद ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंच सके ये वाली। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।